भाई बहन के पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन के भले ही कुछ दिन शेष बचे हैं, लेकिन इंदौर में रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत हो गई है। इंदौर के संयोगितागंज थाने में पुलिस हमारी भाई के तहत रक्षाबंधन का आयोजन हुआ, जहां थाना क्षेत्र की बहनों ने TI सहित पुलिस कर्मियों को राखी बांधकर सुरक्षा का वचन लिया। सावन माह के अंतिम सोमवार यानी कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के दो दिन पहले इंदौर के संयोगितागंज थाने में रक्षाबंधन पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें संयोगितागंज थाना क्षेत्र की बहनें बड़ी संख्या में थाने पहुंची, जहां उन्होंने थाना प्रभारी सतीश पटेल सहित अन्य पुलिस कर्मियों को तिलक लगाया, कलाई पर राखी बांधी और मुंह मीठा कराकर पुलिस से उनकी रक्षा का वचन लिया। पुलिस हमारी भाई के तहत हुए आयोजन में पुलिस के साथ साथ बहनों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। अरे काली सेंटर के द्वारा हमने देखी NGO और जितने भी महिला सशक्तिकरण की जितनी भी लेडी से काम करती है, चाहे वो मंडल हो चाहे NCC हो, हमने सब मिलाकर महिलाओं को इकट्ठित करा है इस मुहिम को चलाने के लिए। TI मेरा भाई, इसका संदेश हम सभी महिलाओं को देना चाहते हैं कि आज जो समाज में हमारे साथ गर्ल्स के साथ महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, वो सिर्फ उनकी खुद की कमजोरी के कारण हो रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अत्याचार सहन करती है, ना ही वो समाज में किसी को इन्फॉर्म करके बताती है, ना ही वो पुलिस तक जाती है। तो पुलिस से डरती है और अपने अपने साथ हो रहे अत्याचार को बढ़ावा दे देती है। तो हमारा इस कार्यक्रम को चलाने का उद्देश्य ये है कि आपके मन में पुलिस को लेकर जो डर है, वो डर ना रहे। पुलिस हमारा भाई है, जिस तरह आपका भाई अपनी रक्षा करता है, उसी तरह हम भी चाहते हैं कि पुलिस के और आपके बीच जो डर है, वो डर ना रहे और पुलिस को आप अपना भाई समझ के अपनी सभी समस्याएं आप उनको बताएं और समाज में जो हो रहे हैं अत्याचार आपके लिए हो रहे हैं महिलाओं के, वो ना हो। मेरा नाम लेफ्टिनेंट नीलम शर्मा सिंह है और मैं एक समाज सेविका और NCC ऑफिसर हूँ। दरअसल सामुदायिक पुलिसिंग का ही हिस्सा है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी गण लगातार सामुदायिक पुलिसिंग के लिए हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसमें समाज और पुलिस के बीच समन्वय ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। दरअसल ये मुहिम सिवनी जिले के छपरा थाने से 2016 में शुरू की गई थी, जब मैं छपरा थाना प्रभारी था। पहली बार TI के चार्ज में और वहाँ से ये मुहिम, चूँकि वह आदिवासी बहुल गाँव था, क्षेत्र था, वहाँ करीब 156 गाँव थे, वहाँ से मुहिम शुरू थी। उसके बाद इसके जब रिजल्ट बहुत अच्छे मिले, महिला अपराधों में कमी आई, फरार और स्थाई वारंटी जो है इसमें पकड़े गए और पुलिस को अपराधों की सूचना लगातार मिली है और कानून व्यवस्था की स्थिति में इसका बहुत बेसिक पुलिसिंग में भी उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें सहायता मिली है। तो उसकी सफलता को देखते हुए फिर लगातार पुलिस के थाने में मेरी पदस्थापना रही है वहाँ लगातार, और कई बार तो बहनों माता बहनों का खुद खुद मैसेज चला जाता है तो फिर वो रक्षाबंधन मनाने के लिए और आज देख रहे हैं आप बहुत सारी महिलाएं। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।